स्टूडेंट, आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति को जानने से पहले हमें जानना होगा सामान्य संस्कृति क्या होती है। संस्कृति को अंग्रेजी में हम कल्चर कहते हैं। वास्तव में सामान्य संस्कृति क्या है? हमारी अभिवृत्तियों, मान्यताओं, विश्वास, मान्यताएं, जिस रीति रिवाज, जिस सभ्यता, जिस सामान्य विचार के प्रति होती हैं या जिसके अनुसार होती है, वही संस्कृति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा समाज सभ्य समाज है, सभ्य समाज है, इसीलिए भारत में ज्यादातर समाज शांति प्रिय होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। तो सामान्य संस्कृति कैसी हुई? शांति प्रिय संस्कृति हुई। सामान्य संस्कृति का अर्थ क्या हुआ? कोई भी समाज किस प्रकार की विचारधारा को अपनाता है, उसकी अभिवृत्तियां कैसी हैं, उसके मन में किस प्रकार की विचारधारा का आगमन है, किस प्रकार की विचारधारा में वो विश्वास रखता है, वो उसकी सामान्य संस्कृति हुई। ये बहुत प्रकार की हो सकती है, शांति प्रिय हो सकती है, हिंसात्मक हो सकती है, अराजकतावादी हो सकती है, बहुत प्रकार की विचारधाराएं हो सकती हैं। सीधे शब्दों में यदि हम इसे देखें तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है, उसका समाज किस प्रकार का है, उसके रीति रिवाज किस प्रकार के हैं और वो किस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसकी सामान्य संस्कृति उसी प्रकार से हो जाएगी। सामान्य संस्कृति के बाद हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति का जुड़ाव भी सीधा सामान्य संस्कृति के साथ ही है। यदि हम राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो राजनीतिक संस्कृति भी व्यक्ति के अभिवृत्तियों, मूल्यों, विचारों, विश्वास, गतिविधि और मान्यता, इन सभी चीजों पर यह डिपेंड करती है। राजनीतिक संस्कृति वास्तव में किस प्रकार की होगी, उस समाज के विश्वास कैसे होंगे, विचार कैसे होंगे, गतिविधियां कैसी होंगी, उनकी सोच कैसी होगी, उसी प्रकार की उस देश की राजनीतिक संस्कृति कहलाएगी। तो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? अभिवृत्तियां हैं, उसके मूल्य हैं, विचार हैं, विश्वास हैं, गतिविधियां हैं, मान्यताएं हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे हम बात करें चीन की, तो चीन एक साम्यवादी देश है, और पाकिस्तान एक अराजकतावादी देश है। यहां के दोनों ही जगह के समाज बंद समाज हैं। अब यहां थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, राजनीतिक संस्कृति कौन सी चीज है, वो ठीक वैसी है जैसे सामाजिक संस्कृति है। बस अंतर इतना सा है कि इसमें राजनीति के बारे में पढ़ना है और उसमें समाज के बारे में पढ़ना है। कोई भी समाज किस प्रकार का होगा, वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के लोकल, उसके रीति रिवाज किस प्रकार से होंगे, उसकी सोच कैसी है और उनके विचार आचार किस प्रकार के हैं, वैसी ही उनकी संस्कृति होगी। जैसे आदिवासियों की हिंसक संस्कृति होती है, सामान्य हम लोग हमारे समाज की बात करें तो इसमें शांति प्रिय होती है, सभ्य होती है, कानून के अनुसार होती है। ऐसे हम राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि वहां की राजनीतिक गतिविधियां, सरकार या वहां के लोकलिटी में राजनीति किस प्रकार की है, वही राजनीतिक संस्कृति कहलाएगी। ये किस किस बात पे डिपेंड करती है? इसमें प्रमुख चीज है अभिवृत्तियां, यानी कि उनके विचार किस प्रकार से हैं, अंदर से आने वाले भाव किस प्रकार के हैं, मूल्य हम डिटेल से गांधी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, विचार का मतलब उनके आइडियाज कैसे आते हैं, वो किस प्रकार की राजनीति में विश्वास रखते हैं, उनके कानून किस प्रकार के हैं, उनके कानून को पालन करने का कितना परसेंट का रेशियो है, वहां की जनता कितना ट्रस्ट करती है सरकार पर,
गतिविधि, वहां के जो लोकल जनता है वो कार्य क्या करती है, उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार से है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। मान्यता, वो किस प्रकार की मान्यता रखते हैं अपने आचार विचार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण से देखते हैं, चीन साम्यवादी देश है, पाकिस्तान सैनिक देश है, सैनिक शासन यहां पर चलता है, अराजकतावाद यहां पर है, दोनों ही बंद समाज के उदाहरण हैं। यहां समझने वाली बात है, बंद समाज क्या होता है, ऐसी व्यवस्थाएं जिस पर समाज पर नियम कानून थोपे जाते हैं और समाज को केवल आदेश दिए जाते हैं, केवल आदेश दिए जाते हैं, और ये आदेश कैसे होते हैं, बाध्यकारी, बाध्यकारी, इसे तानाशाही भी कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन 100% तानाशाही बाध्यकारिता नहीं होती है, ये अलग चीज है, हल्की सी ये चीज क्या है, अलग। चीन साम्यवादी है, पाकिस्तान सैनिक शासन है, दोनों में अराजकता पाई जाती है, दोनों में बंद समाज पाया जाता है। बंद समाज का मतलब क्या हुआ, जहां आम जनता मूल अधिकारों की बात खुलकर नहीं कर सकती, आम जनता सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकती, लोकतंत्र प्रबल नहीं है, जनता की मांगे पूरी नहीं हो सकती, जनता अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकती, समानता की मांग नहीं कर सकती, यदि सरकार कुछ गलत कर रही है तो विरोध नहीं कर सकती, ये सब किसके उदाहरण है, बंद समाज के। यदि हम भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड ऐसे देशों की बात करें तो ये खुले समाज की बात करते हैं, यहाँ अधिकार मिलते हैं जनता को, यहाँ आसानी से आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, स्वतंत्रता समानता की बात होती है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, यहाँ जिम्मेवार सरकार होती है, जबकि यहाँ सरकार जिम्मेवार नहीं होती। बंद समाज में एक प्रकार से सरकार शासन को थोपती है और जनता को मजबूर होकर वो कार्य करना पड़ता है, ये बंद समाज की प्रमुख विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा की बात करें तो इसमें प्रमुख प्रमुख परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है आमड़ की, ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है कार्य के प्रति अभिमुखीकरण होना, यानी कि खुलकर सामने आना। डेविड स्टन कहते हैं कि जिस प्रकार का पर्यावरण होगा, जिस प्रकार का वहां पर नेचर है, उसी प्रकार की वहां की राजनीतिक संस्कृति होगी। स्पेरो कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक शैली है, जिस प्रकार की शैली वहां पर होगी, उसी प्रकार की वहां पर राजनीतिक संस्कृति होगी। यहां पर एक सवाल बनता है, विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो ये किसने दी, आमर्ड और पावेल ने दी। एलन बॉल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है आधुनिक सरकार और आधुनिक राजनीति और सरकार, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है एलन बॉल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो आधुनिक राजनीति और सरकार है। इस पुस्तक में राजनीतिक संस्कृति के बारे में इन्होंने परिभाषा क्या दी, इन्होंने कहा मूल्यों, अभिवृत्तियों और विश्वास ही राजनीतिक संस्कृति है। व्यक्ति का जिन मूल्यों पर, विश्वास पर, अभिवृत्तियों पर जोर होता है, उसी प्रकार की उसकी राजनीतिक संस्कृति हो जाती है। तो प्रमुख परिभाषाओं में हमने किस किस की देख ली, आमड़ कहते हैं कि कार्य के प्रति अभिमुखीकरण ही क्या कहलाता है, राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। तो यहां से याद क्या करना है, अभिमुखीकरण, ये बात किसने की, आमड़ ने की। पर्यावरण की बात कौन करता है संस्कृति के रूप में, डेविड स्टन कहते हैं कि जिसका पर्यावरण जैसा होगा राजनीतिक संस्कृति भी वैसी ही होगी। स्पेरो बात करते हैं शैली की, राजनीतिक शैली जैसी होगी वहां की संस्कृति भी वैसी ही होगी। विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो वो दी थी आमड़ और पावेल ने। आधुनिक राजनीति व सरकार पुस्तक किसकी है, एलन बॉल की, और इस पुस्तक में एलन बॉल ने क्या कहा कि अभिवृत्तियों, मूल्य और विश्वास के अनुसार राजनीतिक संस्कृति होती है। परिभाषाओं में आगे देखें, लुइस पाई, लुसियन पाई, इसमें अभिवृत्ति और भावनाओं के समूह की बात कही है। सिडनी वर्भा की बात करें तो ये अनुभविक मूल्यों को जोड़ते हैं और कहते हैं कि अनुभव पर आधारित जो कार्य होते हैं वो होते हैं, मूल्यों पर आधारित है वही राजनीतिक संस्कृति है। अगला बिंदु है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। यहाँ पर अर्थ और परिभाषा समाप्त हो गई और यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो है
राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, ऐसे कैसे सवाल आएगा? इसमें इतिहास है, ज्योग्राफी है, धार्मिक विश्वास है और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं, सामाजिक आर्थिक है, विचारधाराएं हैं, ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व की हम बात करें तो आज हम बात करेंगे इतिहास और धार्मिक विश्वास की। इतिहास की यदि हम बात करें तो किसी देश का इतिहास किस प्रकार का रहा है, ये उस देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है, राजनीतिक संस्कृति को सीधा प्रभावित करता है। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुआ है, इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुआ है वह चरणबद्ध तरीके के साथ और समय के साथ धीरे धीरे और अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ। जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, जैसे वैसे वैसे ही नियम कानूनों में परिवर्तन होता हुआ चला गया, तो वहां की संस्कृति भी धीरे धीरे अपने अनुसार ही बदलती हुई चली गई। तो इतिहास उस देश का कैसा रहा है, किस देश की वहां पर घटनाएं क्या हुई हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण करने में। दूसरा उदाहरण देखें हम फ्रांस का, तो फ्रांस में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन आया और क्रांति के हिसाब से ही वहां पर सारा सेटलमेंट हुआ। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र आधारित आंदोलन पहले से ही थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्पष्ट कहा गया था कि हम जनता की प्रायोरिटी को ध्यान में रखेंगे और इसीलिए लोकतंत्र यहाँ पर आ गया। वास्तव में देखा जाए तो किस देश का भविष्य कैसा होगा, वहां की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी, इसको निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, तो वो है इतिहास। इतिहास निर्धारित करता है कि उस देश की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। हमने उदाहरण देखा यूके का, इंग्लैंड का, तो उसमें चरणबद्ध तरीके से समय के साथ अपने आप ही सारी चीजें बदलती हुई चली गई। वहां ऐसी कोई चीज हुई नहीं फोर्सेबल जिससे वहां पर कोई परिवर्तन आए, वहां अपने आप स्वयं के अनुसार जो जो चीजों की आवश्यकता हुई वो समय के साथ धीरे धीरे बदलती हुई आ गई। दूसरा अगर बिंदु देखें तो वो है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास की बात करें तो आपने देखा होगा पहले के जब अंधविश्वास बहुत चलते थे तो पॉप कल्चर चलता था और पॉप कल्चर ने राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। यहाँ विमोचन पत्र की बात भी हुई थी। तो धार्मिक विश्वास यानी कि किसी देश की धार्मिक संस्कृति कैसी है, धार्मिक विचार कैसे हैं, उग्र हैं, शांति प्रिय हैं, समाज सेवी हैं, लोक कल्याणकारी हैं, वहां की व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, धर्म की शिक्षा किस प्रकार की है, उसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति वहां पर पाई जाएगी। तो हमारा सवाल था राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहला तत्व कौन सा है, इतिहास। किसी देश का इतिहास किस प्रकार का है, वहां की व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, तो वो इतिहास पर आधारित होती है। राजनीतिक संस्कृति का सीधा संबंध किससे जुड़ता है, इतिहास से जुड़ता है। हमने तीन देशों के उदाहरण देखे। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में परिवर्तन तो हुआ है लेकिन वहां कोई क्रांति नहीं हुई, हिंसात्मक कोई घटना नहीं हुई, वहां समय के साथ साथ जैसे आवश्यकता होती चली गई, क्योंकि संसद की जननी भी इंग्लैंड को ही कहा जाता है, तो जैसे जैसे नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता हुई उन्होंने अपने आप ही परिवर्तन कर लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता हुई। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर क्रांति हुई और क्रांति में जिन चीजों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई धीरे धीरे क्रांति के माध्यम से वही परिवर्तन यहाँ पर आ गया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में आजादी से पूर्व ही ये निश्चित किया गया था कि हम पहले से ही जो शासन हमारे को मिलेगा, सरकार हमें मिलेगी, आजाद भारत जब मिलेगा तो हम जनता को प्रायोरिटी देंगे और हमारे यहाँ स्थायी शासन लाने का प्रयास करेंगे, जनता के माध्यम से शासन लाने की बात करेंगे, जनता का अहम रोल इसमें अदा होगा और यही लोकतंत्र के माध्यम से संभव हो सकता था। दूसरा है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास की भी हम बात करें तो जैसा धर्म की व्यवस्थाएं होंगी, जैसे मैंने पॉप कल्चर का एग्जाम्पल दिया, तानाशाही आराधकतावादी हिंसात्मक धार्मिक गतिविधियों का उदाहरण दिया, तो वहां की सांस्कृतिक जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो अराजकतावादी हो जाए। उपरांत है
राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्वों की यदि हम बात करें तो इसमें है भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति किसी देश की भूगोल कैसा है, किसी देश का भूगोल कैसा है, उसके पड़ोसी कैसे हैं, ना चाहते हुए भी उनके अनुसार उसे बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल भारत, भारत के पड़ोसियों को देखें तो कोई भी सहयोगी नहीं है, ऐसे में ना चाहते हुए भी इसे सैनिक बढ़ोतरी करनी होगी, सैनिकों को बढ़ावा दिया जाएगा ना चाहते हुए भी, हमें ना चाहते हुए भी युद्ध लड़ने पड़ते हैं। ऐसे में हमारा भौगोलिक परिवेश कैसा है, छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, वहां भी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत मैटर करती हैं। बहुत सारे देश ना चाहते हुए युद्ध लड़ रहे हैं, जैसे इसराइल, इसराइल ऐसी परिस्थितियों में है, ऐसे पड़ोसी हैं, तो वहां बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। तो भौगोलिक परिस्थिति भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे हम श्रीलंका की बात करें तो जब श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, तो भारत के नेताओं के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जिससे भय का माहौल हुआ कि श्रीलंका को भारत में मिलाया जा सकता है, इसीलिए श्रीलंका ने इंग्लैंड से संधि की। तो ये कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियां और वहां की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति को सीधा इफेक्ट करती हैं। सामाजिक आर्थिक परिवेश, किसी भी देश की राजनीति में सबसे अहम भूमिका होती है आर्थिक की, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था वहां की सुदृढ़ होगी तो आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद। यदि हम नव उपनिवेशवाद को देखें, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है एक देश का आधिपत्य दूसरे देश पर हो जाना राजनीतिक आधार पर, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, लेकिन यहां पर आर्थिक गुलामी है। जैसे चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान को इतना ज्यादा लोन दे रहा है कि वो एक स्थिति में चुका ही नहीं पाएगा, फिर यह अवस्था ऐसी हो जाएगी कि चाइना का पूरी तरीके से पाकिस्तान गुलाम बन जाएगा। तो यह नव उपनिवेशवाद की विशेषता कहलाती है। सामाजिक व्यवस्थाओं को देखें तो आज हम पाश्चात्य संस्कृति के इस प्रकार से आदि हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा कल्चर वास्तव में था क्या। तो सामाजिक आर्थिक परिवेश कैसा होगा, वहां में जातिवाद तो नहीं है, भ्रष्टावाद तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है, समाजवाद नक्सलवाद तो नहीं है, ये सभी चीजें किसको प्रभावित करेंगी, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करेंगी। फिर इसके बाद है विचारधाराएं, इसमें है उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब चीजें कि आपका देश, आपका समाज, आपका इलाका कौन सी विचारधारा का समर्थन करता है, यही विचारधाराएं हमारी राजनीतिक संस्कृति को सीधा प्रभावित करेंगी। ये सभी चीजें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उदारवाद भी अपने चैप्टर है, मार्क्सवाद भी पढ़ना है, पूंजीवाद साम्यवाद भी पढ़ना है, तो वहां इनको डिटेल से अपन देख लेंगे। इसमें अन्य विचारधाराओं में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी कुछ मूल विचारधाराएं भी हैं, जैसे हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, हमारी विश्व राजनीति में स्थिति क्या है, यूएनओ से हमारे कैसे संबंध हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, हमारा व्यापार की स्थिति क्या है, हमारे पड़ोसियों से जो संबंध है उनमें संधियां किस प्रकार की गई हैं, ये सारी चीजें राजनीतिक संस्कृति को सीधा प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आज हमने अर्थ पढ़ लिया राजनीतिक संस्कृति का, परिभाषाएं पढ़ी और राजनीतिक संस्कृति निर्धारित करने वाले तत्व पढ़े